पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना सिविल लाइन से पुलिस पर एक पीड़ित ने कार्रवाई ना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संजय पुत्र नामालूम और मनीष अंशु तथा संजय ये सभी सब्जी मंडी हरतला के निवासी हैं, जिसमें प्रार्थी द्वारा सिविल लाइन थाने में अपनी पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन पीड़ित का मेडिकल कराकर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। संजय और उसके दोनों बेटे पीड़ित के परिवार को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं मारा, आगे और भी ज्यादा मारपीट की जाएगी यदि कार्रवाई करने की कोशिश की तो। परिवार के लोगों को जान का खतरा सता रहा है, जिस पर परिवार के लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। दोबारा मेरा नाम है, क्या हुआ है ये बताइए, क्या परेशानी? मेरे भैया बड़े भैया आए और ये 3 तारीख को घर से निकले थे सुबह गाड़ी के लिए, तो उस समय जो है दो युवकों ने जो मोहल्ले के परि हैं अंशु मनीष, उनके पिता संजय, उन्होंने बेरहमी से इनको मारा, गला घोटा और धारदार हथियार से इनको वार करा और मुँह से में जो पंच होता है उससे वार करा और इनकी पसली तोड़ी और मुँह से खून निकाल दिया और इनके दो जगह सिर में चोट है। और 3 दिन का बात क्या हो गया है, पुलिस का गुनाह लगाई जा रही है, तो अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे हम और हमारा परिवार वाला बहुत परेशान है और हमारे परिवार को धमकी दे रहे हैं वो लोग बार बार ढंग से मानने की कि अपना जो है केस वापस ले लो, बंधक के मारे तुम्हारे परिवार को बहुत मार दिया, कहीं अभी तो कुछ भी नहीं मारा। पुलिस से लोग मिले हैं आप लोग जगह? हम मिले हैं तो तीन चार से मिले हैं और थाने भी गए थे, वहाँ पे भी 2 बार हमारे बात किया हुआ, लेकिन जो आरोपी ताला उसके घर में पड़ा है, आरोपी फरार है, अभी पुलिस के अंदर नहीं चढ़ा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं, हमारी अपील है कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए, जिससे कि वो अपराधी हमारे हमला न कर सके और अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।